सम्यास कुकिंग डायरी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक नई तरह की मिठाई जो कि आपने इससे पहले कभी नहीं बनाया होगा और बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अक्सर आप लोग देखेंगे कि आटा हम लोग गूंथते हैं तो थोड़ा बहुत बच जाता है, तो उसकी हम मिठाई बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको मिक्सी वाले जार में डालते हैं, उसके अंदर हम पानी डालेंगे एक ग्लास के लमसम, और इसको अच्छे से हमें 2 मिनट तक मिक्सी को चलाना है। 2 मिनट चलाने के बाद इसको हमें एक बाउल में निकाल देना है और उसको हमें कम से कम 2 घंटे के लिए ढक के रख देना है। 2 घंटे के लिए मैंने ढक के रख दिया है इसको। 2 घंटे होने के बाद आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत पानी ऊपर आ गया है, तो इसको हमें पानी को अलग करना है। अगर नहीं भी हो रहा हो तो आप ना करें, मेरा थोड़ा बहुत निकला है तो मैंने इसको अलग कर लिया है। आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत निकला है। अब हम खाली बाउल एक लेंगे, उसके अंदर हमें आपके पास जो कस्टर्ड पाउडर हो वो ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ केसर पिस्ता कस्टर्ड पाउडर है, तो मैं यहाँ 2 स्पून ले रही हूँ। 2 स्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर डाला, उसमें थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लिया है, उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि लम्स ना पड़े। अच्छे से मिक्स होने के बाद मैं यहाँ पे 1 कप शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर डालने के बाद 1 कप पानी, इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। हमें इसकी गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, बस शक्कर को घुलाना है। शक्कर अच्छे से घुल जाएगा तो हम इसमें देखेंगे चिपचिपाहट आ गया है, तो गैस का फ्लेम एकदम लो कर देना है। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। फिर जो मेरा आटा का घोल है उसको थोड़ा थोड़ा करते हुए मिलाना है, और गैस का फ्लेम इस बात का ध्यान रखें गैस का फ्लेम लो रखना है ताकि ये जल्दी से न पके, गाढ़ी ना हो और कच्चा हमारा मिठाई न रहे। उसके बाद मैंने जो कस्टर्ड पाउडर है उसको मिलाया, उसको थोड़ा थोड़ा करते हुए अच्छे से मिलाना है और गैस का फ्लेम लो ही रख के हमें पकाना है ताकि हमारा आटा और कस्टर्ड आपस में मिल जाए और जो आटा है हमारा अच्छे से पक जाए। देखिए धीरे धीरे अब गाढ़ी हो रही है। कंटिन्यू चलाते रहना है और गैस का फ्लेम लो रखना है। इसको बनाने में कम से कम 5 से 7 मिनट लगता है। अब इसके अंदर हम कलर को अच्छा लाने के लिए फूड कलर डाल रहे हैं। अगर आपके पास ये नहीं हो तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे डालने से क्या होता है कि कलर काफ़ी अच्छा आता है, और जिस कलर का आप बनाना चाहते हैं वो कलर डाल सकते हैं। अब गैस को ऑफ कर देंगे। मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है, आप इसकी जगह स्टील की थाली भी ले सकते हैं, और मैं चारों तरफ घी लगा रही हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पे उसको डाल देंगे और उसको अच्छे से फैलाएंगे। अब मैं इसके नीचे कपड़ा इसलिए रख रही हूँ ताकि हमारा ये जो मिठाई है जल्दी से ठंडा होगा। उसके बाद मैं इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ ताकि बहुत अच्छा दिख सके और अच्छे से फैल जाए। मैंने अच्छे से फैला लिया है। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, और ये 15 से 20 मिनट बाद ठंडा हो जाएगा, तो इसके हम पीसेस करेंगे। अब इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे। पहले देखिए आराम से निकल गया है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। उसके बाद हम इसकी पीसेस करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि गुथे हुए आटे की मिठाई मैंने बहुत ही कम सामान में बनाया है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।